डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल केमिस्ट्री ऐप। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बोर्स मॉडल और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर कंबाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड है। ये लेक्चर वो सारे बच्चे जो क्लास 11 के हैं, क्लास 12 के हैं या क्लास 12 पास आउट के हैं, जिन्होंने भी बच्चों बोर्स मॉडल और एटॉमिक स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट अच्छे से देख लिया है, अपने स्कूल केमिस्ट्री के बच्चे जिन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए हैं बोर्स मॉडल और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के, तो उन सब लोग बच्चों इस वीडियो सेशन को बच्चों देख सकते हैं। और मैं बच्चों आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो सेशन में हमने उतनी अच्छी अच्छी बच्चों इतनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स ली हुई हैं कि अगर मान लीजिए आपको बोर्स मॉडल या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कुछ भी डाउट है, कोई भी बच्चों ऐसा कंसेप्चुअल पॉइंट है जो आपसे मिस हुआ है, तो बच्चों आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन, आफ्टर वॉचिंग ये सारी की सारी प्रॉब्लम साथ में बच्चों करते अगर आप लोग रहेंगे तो आपके बच्चों सारे डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो ये लेक्चर बच्चों मुझे लगता है कि जितने भी वीडियोज ऑनलाइन वगैरह में मौजूद होंगे बोर्स मॉडल या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होने वाला है और आप सब लोगों को बच्चों 100% इस वीडियो सेशन में बहुत मजा आएगा। लेकिन इसकी बच्चों एक ही प्री रिक्वायर्ड कंडीशन है कि आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम और बोर्स मॉडल की थ्योरी पूरी तरह से आपने पढ़ी होनी चाहिए। सो आई एक्सपेक्ट कि आपने बच्चों वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे होंगे जो हमने बोर्स मॉडल और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर अपने स्कोर केमिस्ट्री ऐप में डाले हुए हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारी चीजें पता है। क्लास 12 पास आउट और क्लास 12 के बच्चे जो रिवीजन के लिए इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पे, उन सब लोगों को बच्चों बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग कुछ बहुत ही अच्छी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स का कलेक्शन यहाँ पर लेके आए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपनी पहली सवाल पे। देखिए दोस्तों, पहली सवाल आपको वीडियो में भी स्क्रीन पे भी दिख जाएगी और मैंने बोर्ड पे भी लिखी हुई है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सवाल पूछा जा रहा है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ठीक है। बच्चों देखिए, सवालों में मैं सभी बच्चों के हिसाब से बताऊं, यहाँ पर देखिए सवाल वाला बहुत सीधा है, सवाल वाला बहुत सीधा है। उसने क्या बोल दिया, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, उसने सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो थोड़ा सा तिरछा सवाल वाला होता है वो क्या कहता, वो कहता बेटा सेकेंड ऑर्बिट, बेटा सेकेंड ऑर्बिट की जगह एक और नाम यूज किया जा सकता है क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बच्चों यूज करते हैं, ठीक है। बच्चों याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बच्चों ग्राउंड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इन वर्ड्स का भी यूज होता है। बच्चों याद रखो, बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। दैट मींस बोर्स मॉडल की सारी कैलकुलेशन में हम लोग यही मानते हैं कि हमारे एटम या आयन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कहां पे रहेगा, शेल नंबर वन, तो शेल नंबर वन कहलाती है क्या, ग्राउंड स्टेट। शेल नंबर वन के अलावा अगर वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब शेल नंबर टू में, शेल नंबर थ्री में सेकेंड। इस बात को याद रखना, क्लास 11 के बच्चों की कॉपी में बच्चों ये पॉइंट नोट होना चाहिए एंड क्लास 12 एंड 12 पास आउट के बच्चों को एग्जाम के समय ये गलती नहीं अलाउड है, एग्जाम में ये गलती नहीं अलाउड होगी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट को सर एन बराबर टू करके चले आए, बहुत गलती होगी, ठीक है। तो ये सवाल वाला सीधा है, उसने सीधे सीधे बोल दिया एन बराबर टू, ठीक है, एन बराबर टू, वेरी गुड। लेकिन एन बराबर टू को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहा जा सकता था, इन ऑर्डर टू डबल इट्स एंगुलर मोमेंटम। सो बेटा सीन क्या है, अपने पास एच ई प्लस है, बोर्स मॉडल के लिए चलेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, अभी उसमें इलेक्ट्रॉन एन बराबर टू में रिवॉल्व कर रहा है, अपन को उसका एंगुलर मोमेंटम डबल करना है, अपन को उसका एंगुलर मोमेंटम डबल करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए, बोर्स मॉडल में एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या फंडा था, बोर्स मॉडल में एंगुलर मोमेंटम के लिए सीन था कि MVR विच इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, घूमने वाली चीज में जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। क्या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू z पे डिपेंड करती है, नहीं बच्चों। क्या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू z पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है, नहीं, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी z नहीं। सो दैट मींस कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की शेल नंबर वन में घूम रहा है, या आपका इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस की शेल नंबर वन में घूम रहा है, या आपका इलेक्ट्रॉन Li प्लस टू की शेल नंबर वन में घूम रहा है, हर केस में हाइड्रोजन हीलियम Li प्लस टू, हर केस में शेल नंबर वन का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। ये दोस्तों बात याद रखना, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू z पे डिपेंड नहीं करता। सो नो मैटर, हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, Li प्लस टू, इट डजंट मैटर, मैटर क्या करेगा, सिर्फ n, मैटर क्या करेगा n। सो बेटा तुमने इसको डबल करना है, अभी इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 2h अपॉन 2π इनिशियली,
अब बेटा तुम इसे डबल करना चाहते हो, डबल कैसे करोगे? एच अपॉन टू पाई तो कॉन्स्टेंट होता है, एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, टू पाई कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट है, सो कॉन्स्टेंट को तो डबल नहीं कर सकते हो ना, सो डबल कैसे होगा? व्हेन एन विल बिकम फोर, जब बेटा एन हमारा फोर हो जाएगा, जब एन हमारा फोर हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम डबल हो जाएगा। सो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हो बेटा, बेसिकली आप कर क्या रहे हो, इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट कर रहे हो शेल नंबर टू से शेल नंबर फोर में। और इस केस में कितनी एनर्जी लगेगी, इस केस में कितनी एनर्जी लगेगी ये हमसे पूछ रहा है। तो बेटा सीधे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है टू से फोर में। और कभी भी ठीक है, सो बेसिकली वी वॉन्ट टू एक्साइट आवर इलेक्ट्रॉन, सो बेसिकली वी वॉन्ट टू एक्साइट आवर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन बराबर टू टू एन बराबर फोर। और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, कितनी एनर्जी लगेगी, ई फोर माइनस ई टू। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ई फोर माइनस ई टू। हमेशा जाने में और आने में कितना एनर्जी निकलता है, डेल्टा ई के बराबर। सो इस केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस केस में दोस्तों जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज गोइंग टू बी ई फोर माइनस ई टू। मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते खटाक से, इसकी वैल्यू निकाल लेते खटाक से, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम, हीलियम के लिए जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन टू, सो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर फोर में, ठीक है, एन स्क्वायर फोर में 16 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन कितना टू फोर, इतना कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू किसमें बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, ये वैल्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और मैं इसको जल्दी से कैलकुलेशन कर लेता हूं, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 13.64 इनटू 1/4 माइनस 1/16, सो दिस विल गोइंग टू बी 3/16। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं 4 से ये कटेगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 13.6 इनटू 3/4, 13.6 इनटू 3/4 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारी इतनी। सो इस सवाल में कितनी एनर्जी लगेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बहुत बढ़िया सवाल जिसमें चीजें थोड़ी सी फंसी हुई थी, हल्का सा फंसा हुआ था, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी टेढ़ी करके दिया हुआ था कि एंगुलर मोमेंटम डबल कैसे होगा, एंगुलर मोमेंटम डबल कैसे होगा, और हीलियम प्लस दिया हुआ था। बेटा हीलियम हो या हाइड्रोजन हो या Li+2, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जेड पे डिपेंड नहीं करती है। बस बच्चों इस चीज को याद रखना और कर ले जाओ इस सवाल। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सवाल। फ्रेंड्स तो देखिए हमारा अगला सवाल आ गया एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर अगला सवाल है, आइए चलिए देखते हैं दोस्तों। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके, सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहा है, कितनी टाइप की फ्रीक्वेंसीज, कितने टाइप की वेवलेंथ, कितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ, ये पूछ रहा है, ठीक है। The number of possible spectral lines in the bracket series, okay, bracket series. मैंने क्या बोला था? जब भी लीमन बामर पाशन ब्रैकेट इन सब का नाम आएगा तो समझ जाना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये चीज कई बार इन वर्ड्स को हीलियम प्लस के लिए भी कोरिलेट कर देते, बट दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। हीलियम प्लस में ब्रैकेट शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बैंड्स हैं ये सिर्फ बच्चों हाइड्रोजन के लिए इनके नॉमिनेचर को किया गया, बट लेकिन तब भी सवाल वाला अगर बोल देता है कि क्या कहते हैं ब्रैकेट टाइप, मतलब ब्रैकेट टाइप स्पेक्ट्रम इन हीलियम प्लस आयन, ठीक है, या हीलियम प्लस आयन में ब्रैकेट के तरीके का स्पेक्ट्रम है तो आप समझ जाइए खुशी। लेकिन प्रिसाइजली स्पीकिंग इफ वी आर 100%, मतलब अगर हम अप्रोप्रिएट वे में जाएं तो लीमन बामर पाशन ब्रैकेट पीफन ये सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के नाम है, ठीक है, इनका इस्तेमाल हीलियम लिथियम वगैरह के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार सवालों में हो जाता है, बट ऐसे में उसको दिल पे मत लिया करो, सवाल के कंसेप्ट पे आकर के सीधे सीधे सवाल सॉल्व किया करो, लेकिन जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई। सो ब्रैकेट सीरीज की लाइन बतानी है, इन द ब्रैकेट सीरीज सिर्फ हमें बच्चों वो लाइन्स बतानी जो ब्रैकेट सीरीज में, जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट, नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट, ये देखो सवाल वाला कितना चालू है, ninth shell नहीं है, ninth excited state, return to the ground state,
ठीक है। अब बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बेटा सवालों में बहुत बड़ा ट्रैप होता है, नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट। बेटा शेल नंबर टू, शेल नंबर टू एन बराबर टू, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। शेल नंबर थ्री एन बराबर थ्री, इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब बच्चा, नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब टेंथ शेल। सो इलेक्ट्रॉन बेटा हमारा टेंथ शेल से ग्राउंड स्टेट मतलब शेल नंबर वन में आ रहा है, शेल नंबर वन में, ठीक है। तो टेंथ शेल से बच्चों हम लोग शेल नंबर वन पे आ रहे हैं। तो वैसे केस में हमसे पूछ रहा है कि ब्रैकेट सीरीज में कितने रेडिएशंस निकलेंगे, ब्रैकेट सीरीज में यार कितने रेडिएशंस निकलेंगे, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। चलो यार बात करते हैं। सो वी हैव एन बराबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है दोस्तों, ये चीज ठीक है। तो ये अपने पास दोस्तों सीन होता है। एक छोटा सा काम करते हैं, इस डी को जरा शिफ्ट कर लेते हैं, इस डी ऑप्शन को शिफ्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी सिक्स था, इसको यार जरा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों याद करो, मैंने आपको इसमें कुछ कंसेप्ट बताए थे, मैंने बच्चों आपको अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में कुछ कंसेप्ट बताए थे, जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। अगर बच्चों मान लो हमसे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन से कभी भी पूछे, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कभी पूछे, तो हमेशा आंसर क्या होगा, एन वन माइनस एन टू इंटू एन वन माइनस एन टू प्लस वन अपॉन टू। ये लाइंस किसमें होगी, एमिशन स्पेक्ट्रम में। एमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस हमेशा ये होती है, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन एन वन से एन टू में आ रहा है, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन एन वन से एन टू में आ रहा है, तो यार इतनी लाइंस निकलेंगी, एन वन माइनस एन टू इंटू एन वन माइनस एन टू प्लस वन अपॉन टू। और अगर मान लो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर बात होगी तो एन वन माइनस एन टू, इस बात को मुझे याद रखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर बात होगी तो एन वन माइनस एन टू, यही बच्चों यहां पर सीखो, ठीक है। सो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन शेल नंबर वन से शेल नंबर टेन तक एक्साइट हो सकता है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन शेल नंबर वन से शेल नंबर टेन तक एक्साइट तक शेल नंबर टेन तक एन वन से एन टू तक नॉट एग्जैक्टली एन टू, अगर इलेक्ट्रॉन n1 से n2 जा रहा है तब तो वन ही लाइन होगी, एक ही ट्रांजिशन है n1 से n2 तब तो वन लाइन होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन n1 से अप टू n2 तक जा रहा है, अप टू n2 तक मतलब एग्जैक्टली n2 तक नहीं बट n2 तक ही इसको रहना, तो ऐसे केस में कितनी लाइंस होंगी, n2 माइनस n2, ठीक है बच्चों, तक। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ लाइंस n2 माइनस n2, ठीक है। क्योंकि मान लो बच्चों इलेक्ट्रॉन हमारा वन से मान लो लेट से टेन तक जा रहा है, वन से मान लो टेन तक, टेन पे जा रहा है तब तो एक ही स्पेक्ट्रम है, लेकिन टेन तक मतलब वन से लेके टेन भी जा सकता है, वन से लेके नाइन भी जा सकता है, वन से लेके एट भी जा सकता है, वन से लेके सेवन भी जा सकता है, तो ये सब हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइन्स आएंगी। सवाल की लैंग्वेज को पकड़ना, एन वन से एन टू तो ओनली वन स्पेक्ट्रम, एन वन से अप टू एन टू तक है तो एन टू माइनस एन वन लाइन्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये बेटा नंबर ऑफ लाइन्स का सीन होता है। लेकिन जैसा कि बच्चों ये सवाल है, ये सवाल तेरा है, इसमें टोटल लाइन नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, सिर्फ आप ब्रैकेट सीरीज की लाइन बताओ, सिर्फ कौन सी लाइन बताओ बेटा, ब्रैकेट सीरीज की। तो इसके लिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको ट्रिक बताई थी, बेटा क्या करो आप सारे स्पेक्ट्रम लाइन्स को आप पहले देखो, आप क्या करो बच्चों देखो, पहले सारे स्पेक्ट्रम लाइन्स को बनाओ, सारे जितनी भी स्पेक्ट्रम लाइन्स होंगे उन सबको बनाओ, आप पहले बेटा यहाँ पे सारे स्पेक्ट्रम लाइन्स बनाइए, ठीक है। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बेटा सारे स्पेक्ट्रल लाइंस को बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाते थे, टेन से वन पे आ रहा है ना, तो पहले वन पे सारे के सारे ट्रांजिशन बना लिए, पहले वो सारे ट्रांजिशन बना लिए वन वाले, तो ये सारे कौन हो गए, लीमन वाले लाइन, ये सारे कौन हो गए, लीमन वाले, फिर बामर वाले सारे बना लो, टू पे कहाँ कहाँ से ट्रांजिट हो सकता है, टू पे यहाँ यहाँ से इन सब जगहों से ट्रांजिट हो सकता है, ठीक है इस तरह से। So, टू पे सारी लैंडिंग करा लो, वन पे करा लो, तो इस तरह से लीमन बामर पाशन ये सब आ जाएगा। अपन को किससे मतलब यार, सवाल में अपन को किससे मतलब, ब्रैकेट। नाउ व्हाट इज ब्रैकेट, जब भी इलेक्ट्रॉन शेल नंबर वन पे आता है लीमन सीरीज, जब भी इलेक्ट्रॉन शेल नंबर टू में आता है बामर सीरीज, जब भी इलेक्ट्रॉन शेल नंबर थ्री में आता है पाशन सीरीज, जब भी इलेक्ट्रॉन शेल नंबर फोर पे आता है तो ब्रैकेट सीरीज। सो बेटा हमें वो सारे ट्रांजिशन देखने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एन बराबर फोर पे आया। तो बेटा देखो n बराबर 4 पे इलेक्ट्रॉन कहां कहां से आ सकता है, 10 से 4 में आ सकता है एक ट्रांजिशन, 9 से 4 में आ सकता है, 8 से 4 में आ सकता है, 7 से 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है, 5 से 4 में आ सकता है।
सो फोर में आने के लिए 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये सारे ट्रांजिशन होंगे और इनको अगर मैं सम करूं तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर 6 तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर 6 ठीक है। अगर मान लो बच्चों इस सवाल में हमसे पूछा होता कि टोटल नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइंस बताइए जब इलेक्ट्रॉन 10 से 1 में आ रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन 10 से 1 में आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछते हैं, तो ऐसे केस में आंसर क्या लगा देते, 10 - 1 × 10 - 1 + 1/2 और ये बेटा सॉल्व करके आएगा 9 × 10/2 एंड दिस वैल्यू इज गोइंग आउट टू बी 45। अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन इस सवाल में आंसर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट सीरीज लाइन, टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट सीरीज लाइन। तो इस सवाल का बच्चों जो सही आंसर है वो ये है। सारी चीजों को ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कितनी लाइंस होती है, एमिशन की कितनी लाइन होती है, ब्रैकेट में कितनी होंगी, लीमन में कितनी होंगी, सारी बातें बताएंगे बच्चों इस कंसेप्ट के द्वारा। इसीलिए बोल रहा हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लास 11th में ये वीडियो देखोगे, क्लास 12th में भी जाके देखना होगा एग्जाम से पहले, पूरा का पूरा बोर्स मॉडल, पूरा का पूरा एमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम बच्चों रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ये चीज। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए बच्चों अब आगे हम लोग अपने तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल एक लाइट सवाल है, दो थोड़े से टफ सवाल कह सकते हैं, थोड़े से मतलब दिमाग वाले सवाल लगाए ना, तो थोड़ा सा एक लाइट सवाल लेकर के अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन बच्चों कौन कौन सी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अलाउड नहीं है, बच्चों याद करिए बोर्स का मॉडल में सबसे बड़ा फंडा यही था। मैंने बताया था यार दो जगह मुझे लगता है, एक तो कैकुली साहब और दूसरा बोर्स के केस में क्या मुझे लगता है कि यार इनको पता नहीं कैसे कुछ ऐसे इक्वेशन मिल गई जिनका प्रूफ इनको खुद नहीं पता था। बोर्ड साहब को अपनी जिंदगी में कभी ये पता नहीं चल पाया मरते दम तक कि कैसे MBR बराबर NH/2π होगा। MBR बराबर NH/2π तो आगे चल के डी ब्रॉगली अंकल ने प्रूफ किया, लेकिन बोर अंकल ने बोल दिया कि MBR बराबर NH/2π होगा, पता नहीं कैसे कुछ भगवान का कुछ सपना अपना आया होगा, जैसे कैकुली साहब को आया था रेजोनेंस के केस में ना। सो उसी तरीके से क्लास 11th वाले बच्चों को ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे कैकुली का सपना, ठीक है। लेकिन बच्चों समझो, बिना इसके प्रूफ जाने हुए भी साइंस में एक ऐसी इक्वेशन बोल देना जो कि करेक्ट है, और बोर्स मॉडल फेल हो गया लेकिन उनकी इक्वेशन आज तक करेक्ट है, बोर्स मॉडल फेल हो गया लेकिन उनकी इक्वेशन करेक्ट है, इसी कारण से उनका स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट आज तक करेक्ट है, बहुत बड़ी बात, मजा आ जाता है। सो बोर्स साहब ने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन ऐसी शेल में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसी स्टेशनरी शेल में घूमेगा, ठीक है, स्टेशनरी से जहां पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, वो स्टेबल रहेगा। सो इन शेल में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंजर्व करके घूम सकता है, उसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फंडा नहीं लगेगा, जिसके कारण रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था। सो बोर्स वॉज एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन MBR बराबर NH/2π। एंड मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको क्या बताया था, मैंने इस इक्वेशन को बोला था क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन। मैंने इस इक्वेशन को बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन, MBR बराबर NH/2π। सो इट वाज अ ग्रेट इक्वेशन जिसका कि प्रूफ आगे चल के डी ब्रॉगली साहब देते हैं, ठीक है। बोर साहब को इसका प्रूफ नहीं पता था, उन्होंने बस बोल दिया ऐसा होगा, पता नहीं कैसे बोल दिया, और ये सही था ना। ऐसा भी नहीं कि तुक्का बस मार दिया छक्का लगेगा, मैच में बोल दिया छक्का लगेगा, छक्का लग गया, ये भी नहीं यार, ये मैथमेटिकल इक्वेशन ना, बहुत मजा आता है। सो MBR की वैल्यू बेटा NH/2π हो सकती है, जहां पे N हमारा शेल नंबर होता है, शेल नंबर 1 में है तो 1H/2π, शेल नंबर 2 में है तो 2H/2π। सो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल वैल्यू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट H/2π की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ठीक है, H/2π की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। कुछ लोग क्या करेंगे, क्लास 12th के बच्चे एग्जाम जब देने जाएंगे तो करेंगे सर ये देखिए नॉन इंटीग्रल है, अबे बेटा H/2π तुम्हें चाहिए, सो 2π लाओ ना नीचे, जब 2 ऊपर नीचे लाओगे तो ये हो गया H/2π, और अब देखो ऊपर क्या गया 3, अब देखो ऊपर क्या गया 3, सो दिस नंबर इज 3H/2π। And 3H/2π क्या है, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, तो बेटा ये वैल्यू सही है। जल्दीबाजी में ऐसे मत मजे कर लेना, मैंने बोला ना कि आज के सारे सवाल बढ़िया सवाल हैं, ठीक है। जल्दीबाजी में बच्चे क्या करें, सर ये 1.5/H/π है, ये नॉन इंटीग्रल है, अब
एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल वैल्यू देखना है भाई। चलो यहाँ पे आओ, तो यहाँ पर भी देखो हमें एच अपॉन टू पाई लाना है। सो टू से डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई किया, जब टू से डिवाइड किया तो ये हो गया एच अपॉन टू पाई एंड पॉइंट फाइव अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा तो वन एच अपॉन टू पाई, और ये भी इंटीग्रल मल्टीपल है, ये भी चलेगा। सो वन एच अपॉन टू पाई भी चलेगा, वन एच अपॉन टू पाई भी चलेगा। अब यहां पे अगर मैं आऊं तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो यहां पे एच अपॉन टू पाई हो गया एंड दिस नंबर इज 2.5 एच अपॉन टू पाई एंड हियर इट इज नॉन इंटीग्रल। सो ये है बच्चों इसका सही आंसर, ये वैल्यू नॉट अलाउड है, ये वैल्यू नॉट अलाउड है। सो ऑप्शन वन इज अलाउड, ऑप्शन टू इज अलाउड, बट ऑप्शन सी इज नॉट अलाउड। 1.25 एच अपॉन पाई इज नॉट अलाउड, 1.5 एच अपॉन पाई इज नॉट अलाउड बिकॉज 1.5 एच अपॉन पाई इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। सो कौन कौन सी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो सकती है यार? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एच अपॉन टू पाई हो सकती है, 2h अपॉन टू पाई हो सकती है, 3h अपॉन टू पाई हो सकती है, 4h अपॉन टू पाई हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसी शेल में घूम रहा है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये सब होगी, तो ऐसी शेल में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ऐसी रेडियस में, ऐसी रेडियस में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन अलाउड होता है एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट किए बिना घूम सकता है। तो ये दोस्तों बोर साहब ने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था। सो ऑप्शन सी वाली वैल्यू नॉट अलाउड बिकॉज वो वैल्यू इनमें से कोई भी नहीं है। पहली वाली वैल्यू 3h अपॉन 2 पाई चलेगा, दूसरी वाली वैल्यू 1h अपॉन 2 पाई चलेगा, बट थर्ड वैल्यू 2.5h अपॉन 2 पाई नॉट चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर सीन है हमारा और ये इसका पंडा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके दोस्तों, सो वेलकम टू वंस अगेन, ओके दोस्तों, सो वंस अगेन वेलकम टू स्कूल केमिस्ट्री ऐप। सो बच्चों, अब हम लोग आ गए अपने फोर्थ सवाल पे, और जैसा हम लोग हर सवाल में कोशिश करें कि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिले, सवालों में होने वाली वेरिएशन को आपको सीखने को मिले, तो वही बच्चों हमारी कोशिश है। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल क्या है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोजन लाइक एटम, वही जहां पे बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन लाइक एटम है, इज 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Then the amount of energy released when electron jump from fourth orbit to the first orbit of this atom. So beta, कितनी energy निकलेगी जब electron fourth से first orbit में आएगा? So beta, energy released. So दोस्तों, energy released is going to be. So दोस्तों, energy released is going to be क्या? E4 minus E1. जो energy release होगी वो कितनी होगी? E4 minus E1. Now E4 will be minus 13.6. into z square upon 4 square, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड E1 is going to be minus 13.6 z square upon 1 square, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो वैल्यू बेटा अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 13.6 z square, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 square का 1 हो जाएगा और ये 1 upon 16, ठीक है, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 15 upon 16, 1 minus 1 upon 16, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सारा का सारा मैटर भैया z निकलने का, बाबा z पता चल जाए तो काम बन जाए। अब दोस्तों हमारा एम है ये z कैसे फाइंड करें, तो बेटा z फाइंड करने के लिए हमको पहला डेटा दिया गया आयनाइजेशन एनर्जी का। अब बच्चों ये एक सवाल वालों का ट्रैप है, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देखो कई बार दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है लिमिटिंग लाइन। कभी भी आपसे पूछे कि लीमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन कौन सी होगी, ठीक है, बामर सीरीज का लिमिटिंग लाइन कौन सा होगा, तो बेटा लिमिटिंग मतलब एक्सट्रीम वाला। सो लिमिटिंग लाइन कौन सी होगी, जब भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से वन पे लैंड करेगा तो ये होगा लिमिटिंग लाइन इन लीमन सीरीज, जब भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से टू पे लैंड करेगा तो ये होगा लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज। सो इन्फिनिटी वाले ट्रांजिशन को कहते हैं लिमिटिंग लाइन। और बेटा आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर ले जाते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है सो दैट इट विल मूव आउट ऑफ एटम, और आउट ऑफ एटम मतलब एक तरह से आप इलेक्ट्रॉन को जिस शेल में वो मौजूद है वहां से एनर्जी देके कौन सी शेल में ले जाना है, इनफाइनाइट शेल। एटम से बाहर जाना मतलब बहुत दूर चला जाना, मतलब इन्फिनिटी शेल में चला जाना, ये आप कह सकते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी कैन ऑल्सो बी सीन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाला प्रॉब्लम, आयनाइजेशन एनर्जी कैन ऑल्सो बी सीन एज इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन वाला प्रॉब्लम। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारी अपनी गिवन शेल से कहां पे जाएगा, एम बराबर इन्फिनिटी।
सो बेटा हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन, हाइड्रोजन लाइक एक एटम है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में। सो एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 पे, हमने उस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में ले जाना है, तो इस केस में कितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो ना बाहर, तो कितनी एनर्जी चाहिए, 14.4। सो बेटा दिस 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी सीन एज ई इन्फिनिटी माइनस ई 1। अब बेटा ई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ये तो 0 होगा, करने की जरूरत नहीं है ना, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन, एन की जगह इन्फिनिटी का डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी करोगे, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी करोगे तो 0 हो जाएगा ना, एन माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है। सो बेटा ये जो 13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है दोस्तों, 13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू है, ये बेटा 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, यस द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम हमारे को इतनी दी हुई है, हाइड्रोजन लाइक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी हमको, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने पास यहाँ पर सीन दिया हुआ है, अब बस मामला खत्म, ये 13.6 जेड स्क्वायर की जगह पे आप 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दो और चलो सॉल्व कर लेते। सो 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 15/16, और जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.9। सो 15 इंटू 0.9 हमारा हो जाएगा 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इंटू 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा हो जाएगा, 15 into 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा हो जाएगा दोस्तों, कितना 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोस्तों यहाँ पर वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को हम यहाँ पर पा सकते, ठीक है। सो हमसे क्या सवाल में पूछा गया था, आयनाइजेशन एनर्जी, इस सवाल में क्या चीज हमको सीखने को मिली, आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी को भी आप एक तरह का एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रीट कर सकते हो, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आपका इनफाइनाइट शेल में जा रहा है, ये बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। सो हमको आयनाइजेशन एनर्जी दी थी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन E1 n बराबर 1 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो कितनी एनर्जी लगेगी, E इन्फिनिटी माइनस E1, और ये वैल्यू दी हो तो इससे बेटा आप जेड निकाल भी सकते हो, इससे अगर आप चाहो तो जेड निकाल भी सकते हो, या फिर मैं जेड क्यों निकालू, मैं 13.6 जेड स्क्वायर पूरा पूरा जो नंबर है ना उसकी जगह पे मैं 14.4 रख दूंगा, मैंने उसकी जगह पे पूरा 14.4 रखा, और 14.4 इंटू 15/16 किया, बहुत आसानी से बढ़िया से दोस्तों अपना सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सवाल था, अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे, और अगला सवाल एक बहुत ही बढ़िया बच्चों एकदम आपका आई ओपनिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब आपका एकदम माइंड एकदम क्लियर कर दे, ठीक है। मैं चाहता हूँ बच्चों पहले आपको इस सवाल को पढ़ें, और ऑप्शंस भी अपने पास हैं, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप लोग बच्चों अपने आप से मार्क करिए। सबसे पहले मैं ये चाहूँ कि आप लोग खुद से बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस को मार्क करिए, ठीक है। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पर देखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस सवाल में, अगर मैं देखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ, देखिए इस सवाल में बहुत सारे कैच छुपे हुए हैं, इस सवाल की लैंग्वेज को हल्का सा बदल दे तो बच्चों इस सवाल के आंसर बदल जाते हैं। चलिए मैं आपको बच्चों इस सवाल को पूरे अच्छे से समझाता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला और बहुत बड़ा बच्चों जो कैच है यहाँ पे इस सवाल में क्या, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन एटम, इन अ हाइड्रोजन एटम देन द नंबर ऑफ फोटॉन लिबरेटेड आउट विल बी, हमसे पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर सवाल की लैंग्वेज में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम में, एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से कहां आ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कितने फोटोन निकलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे क्लास 11 12 12 पास आउट सब बच्चों को मैं चाहूंगा इस चीज को समझो बच्चों, कभी भी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन करता है, कभी भी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन करता है, मतलब एक पर्टिकुलर शेल से एक पर्टिकुलर शेल में आता है, तो इस केस में एक ही फोटोन निकलता है। कभी भी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन करेगा तो बेटा एक फोटोन निकलेगा, और उस फोटोन में एनर्जी कितनी होगी, 1 क्वांटा के बराबर, और इस 1 क्वांटा की वैल्यू कितनी होगी, एच न्यू या फिर एच सी वाई लैम्डा। ये चीज याद रखिए, हमेशा एक का फंडा याद रखना,
एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन एक ही बार ट्रांजिशन में एक फोटोन रिलीज करेगा। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन एक बार एक्साइट होता है सिर्फ। एक्साइटेशन का मैंने फंडा बताया था ना, सिर्फ एक ही बार एक्साइटेशन लाउड है। डी एक्साइटेशन में तो इलेक्ट्रॉन रुक रुक के भी आ सकता है, लेकिन जब भी एक ट्रांजिशन होगी तो एक ही फोटोन निकलेगा, ठीक है। सो डी एक्साइटेशन में मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही बार एक्साइट हो सकता है, और उस एक बार एक्साइट होने में वो एक फोटोन लेगा, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, क्वांटा के बराबर। चलिए आते हैं बच्चों इस सवाल में। सो इस सवाल में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में है और वो एक बार ट्रांजिशन कर रहा है, वो एक बार ट्रांजिशन कर रहा है कहां, फोर से वन में। तो इस केस में बेटा सिर्फ एक ही फोटोन निकलेगा, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। तो इस पर्टिकुलर केस का बच्चों जो आंसर होगा वो कितना होगा, वन। इस पर्टिकुलर बच्चों सवाल का आंसर क्या होगा, वन। अब देखिए दोस्तों इस सवाल में मजा क्या है, मान लीजिए बच्चों इस सवाल की लैंग्वेज कुछ ऐसे बदल दी जाए, बच्चों मान लीजिए बच्चों हमसे सवाल की लैंग्वेज ऐसे बदल दिया है, क्या इलेक्ट्रॉन एन हटा दिया, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स लिबरेटेड आउट विल बी। बच्चों अब इस सवाल का आंसर पूरा बदल जाएगा। बच्चों पहले वाले सवाल में क्या चीज विशेष थी, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का जिक्र होता, एक पर्टिकुलर एटम का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन का जिक्र हो रहा था। सो एक पर्टिकुलर एटम का एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन में एक फोटोन रिलीज करता है, लेकिन इस बार बच्चों क्या चीज है, आपके पास एक हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, और उस हाइड्रोजन गैस के सैंपल में बहुत सारे एटम है, ठीक है, और इन सारे एटम के इलेक्ट्रॉन, बच्चों क्या हो रहे हैं, n बराबर 4 से 1 में आ रहे हैं। तो ऐसे में हमसे पूछ रहा है कितने फोटोन निकलेंगे, सो बेटा अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एटम हैं और उन बहुत सारे एटम के इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 में आ रहे हैं, तो बच्चों देखिए होगा क्या, यहां पर परम्यूटेशन सारे ओपन हो जाएंगे, बच्चों सारे परम्यूटेशन हो जाएंगे। सारे परम्यूटेशन से मेरा मतलब है बच्चों कुछ एटम में हो सकता है सीन क्या होगा, एटम वन में सीन क्या होगा, फर्स्ट एटम में सीन क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा डायरेक्टली फोर से वन में आएगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन में कुछ एटम में क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन सेकेंड एटम का सीन क्या हो सकता है, सेकेंड एटम में क्या हो सकता है कि हो सकता है पहले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम में कुछ अलग सीन भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बेटा जाते वक्त इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बार में जाता है, एक बार में जितना उसे एक्साइट होना हो जाएगा, लेकिन लौटते वक्त बच्चों मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन लौटते वक्त रुक रुक के भी आ सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन हैप्पी है, वो हर तरीके से आ सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बेटा डी एक्साइट होता है तो वो हर पॉसिबल पाथवे में आ सकता है, लेकिन एक एटम में एक ही पाथवे चलेगा, जैसे इस एटम में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आए तो बस काम खत्म, आ गया अब बस शांत बैठेगा। इस एटम में क्या होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले 4 से 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, और फिर 2 से 1 में आए। तो इस केस में क्या होगा, तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स निकलेंगे, एक फोटोन इस E4-E3 एनर्जी वाला, एक फोटोन E3-E2 एनर्जी वाला, एक फोटोन E2-E1 एनर्जी वाला। तो यहां पर तीन अलग अलग फोटोन निकले, क्योंकि तीन ट्रांजिशन है, यहां पर तीन ट्रांजिशन हो रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन तीन अलग अलग ट्रांजिशन कैरी आउट कर रहा है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो यहां पे तीन फोटोन निकलेंगे। एटम 3 में हो सकता है क्या, एटम 3 में क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4 से 1 में आ जाए, फिर 1 से 2 में आए, सॉरी 4 से 2 में आ जाए, फिर 2 से 1 में आए। तो इस केस में क्या होंगे, दो ट्रांजिशन, ये थर्ड एटम का इलेक्ट्रॉन दो ट्रांजिशन कर रहा है तो दो फोटोन निकलेंगे। सो इस तरीके से बच्चों यहां पे क्या होंगे, ऑल परम्यूटेशंस खुले होंगे, क्योंकि बहुत सारे एटम है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें सारी पॉसिबिलिटीज लगेंगी। और बच्चों यहाँ पे कितने फोटोन निकलेंगे, हमसे पूछे कितने फोटोन निकलेंगे, तो बेटा फोटोन तो इनफाइनाइट निकलेंगे, सिंस देयर आर इनफाइनाइट एटम्स, सो इनफाइनाइट फोटोन। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए द नंबर ऑफ फोटोन लिबरेटेड आउट हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कितने फोटोन निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज,
कितने फोटॉन्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, अलग अलग कितनी कितनी डिस्टिंक्ट रेडिएशन मिलेंगे, कितनी डिस्टिंक्ट फोटॉन्स मिलेंगे, ये मान लो सवाल हमसे पूछेगा। तो ऐसे कितने बच्चों क्या होगा बताओ, ये कौन सा स्पेक्ट्रम लग रहा है, एब्जॉर्प्शन या इमिशन, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है, तो ये कौन सा केस हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम का। और एमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता था N2-N1 × N2-N1 + 1/2। तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो 4-1 = 3, 4-1 + 1, ठीक है, सो 4 × 3/2, सो दैट आंसर विल कम आउट टू बी 6, ठीक है। सो बेटा प्लीज समझना सवाल की लैंग्वेज में क्या है। अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम है, उनमें डी एक्साइटेशन हो रहा है और उनमें पूछे कि कितनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, तो 6 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, वही जो आपको एमिशन वाले ट्रिक बताया था ना उससे। और अगर आपसे एक एटम दे दिया जाए, आपसे बेटा एक एटम दे दिया जाए और उस एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन कर रहा है, उस एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में, उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में, उस स्पेसिफिक ट्रांजिशन में, उस एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन में 4-1 में सिर्फ एक फोटोन ही निकलेगा। इस बात को बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। सो आई होप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंग्लिश के एक छोटे से वर्ड अ लगने से, एन और अ लगने से सवाल के आंसर बदल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यही चीज मैं चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आप इन सब चीजों को बच्चों ध्यान रखें, इसीलिए बच्चों इस तरह के सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सो बच्चों ये जो सवाल है हमारा एक बोर मॉडल की क्लासिक वेलोसिटी रेडियस, हमारा क्या कहते हैं वेलोसिटी रेडियस और हमारी एनर्जी के जो क्लासिक फॉर्मूले होते हैं उनके ऊपर बच्चों ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। सवाल है हाउ मच डिस्टेंस एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन विल ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये चीज। सो अगर हम लोग बच्चों बात करें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। टाइम अपने पास 1 सेकेंड है, स्पीड की मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.186 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और बताइए साथ में क्या वेरिएबल होता है, जेड और एन वाला वेरिएबल याद करो, ठीक है। आर के फॉर्मूले में क्या होता है 0.529 × n² / z, एनर्जी में क्या होता है 13-13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.186 × 10⁶ जेड अपॉन एन। दैट मीन जब एन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से रिवॉल्व करता है, छोटी शेल में तेज रिवॉल्व करता है और बड़ी शेल में धीरे रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे बेटा जो वेरिएबल होता है दैट इज जेड अपॉन एन, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे सीन होगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 2.186 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड एंड देन जेड अपॉन एन, ये दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब भाई यहाँ पर जेड क्या है, हीलियम प्लस है, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हीलियम प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, और एन अपना क्या है भाई थर्ड ऑर्बिट है, तो एन यहाँ पर 3 है, तो जेड है 2 और एन है 3, ठीक है। 2.186 × 10⁶ जेड हीलियम के लिए 2 और एन यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट तो 3। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो वैल्यू हो जाती है अपनी 4.5, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अपने पास वैल्यू आएगी 1.457 वाला ये जो आंसर है दोस्तों अपना, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। सो हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत तेज रिवॉल्व करता है, उसकी वेलोसिटी देखो 10⁶ मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में अराउंड बच्चों 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर 1 सेकेंड में बंदा 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है यार, जबरदस्त ना, जबरदस्त यार, एकदम ह्यूज है ना, इतनी तेज तेज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यार, मजा आ गया देख के ना। सो 1 सेकेंड में यार बंदा 10⁶ किलोमीटर ट्रेवल कर ले रहा है, एटम तो यार अपनी बॉडी में हर जगह है,
अपनी बॉडी में हर जगह एटम है यार। सोचो डीएनए में इतने सारे कार्बन के एटम्स हैं, कार्बन के एटम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये सब इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखो यार, अपनी बॉडी के अंदर 1000 किलोमीटर स्पीड से एक एक सेकेंड में 1000 किलोमीटर बंदे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, सो बड़ी जबरदस्त ये दुनिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे सीन है। तो काफी ह्यूज डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है एक सेकेंड में, और यही सब चीजें हैं जो मजा आती है सुन करके, देख करके, विजुलाइज करके ना, तो ये चीज है। ठीक है, तो इस सवाल का दोस्तों आंसर सीधा सीधा हमसे पूछा कितना डिस्टेंस होगा, सो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और हीलियम आयन है, हीलियम आयन भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो यहाँ पे बोर्स मॉडल वाले फॉर्मूले लगेंगे। और बेटा इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना, प्लस मेन इनमें याद रखना वेरिएबल जो होते हैं ना, जेड अपॉन एन की जगह एन अपॉन जेड मत कर देना। ठीक है, तो जेड अपॉन एन, तो जेड अपॉन एन, और उस हिसाब से फिर वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये अपनी दोस्तों आंसर आ जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा अगला सवाल हमारा ये है कि हमसे पूछा है कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू किस में, किस केस में दोस्तों हमारा बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होगा, इस बारे में दोस्तों हमसे सवाल पूछा जा रहा है। सो बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू Na+10 हीलियम, B+2 और C+6 किसके साथ बच्चों एप्लीकेबल होगा, ये हमसे दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो जैसा बच्चों हमने बार बार किया कि बोर साहब ने अपने मॉडल बनाते समय एक चीज को मिस करके देखा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। उन्होंने अपनी सारी कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कंसिडर नहीं किया, जिस कारण से दोस्तों बोर्स मॉडल के सारे फॉर्मूले उन्हीं में एप्लीकेबल है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 11 में से 10 चलेंगे मतलब एक, तो यहाँ पे चलेगा। हीलियम में 2 है, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये नहीं चलेगा। बी बेरिलियम की अगर मैं बात करूं बच्चों, सो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 2 चले गए तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 में से 6 के 6 चले गए तो 0 इलेक्ट्रॉन, यार ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी बच्चों बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। बोर्स मॉडल की कैलकुलेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाली चीज में एप्लीकेबल होंगे, और वो बच्चों बनता है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले सवाल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगला सवाल हमारा ये है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिंग बिटवीन, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिंग बिटवीन 3rd and 4th ऑर्बिट टू द रेशियो ऑफ स्पेसिंग बिटवीन 6th and 7th ऑर्बिट। सो ऑर्बिट्स के बीच में जो दूरी है उसके रेशियो दोस्तों हमको बताना है। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R4 - R3 अपॉन R7 - R6, ये रेशियो दोस्तों हमको बताना है। द रेशियो ऑफ स्पेसिंग बिटवीन, सो स्पेसिंग क्या होगी, R4 - R3 हो जाएगा 4 और 3 की डिस्टेंस, और 6 और 7 मतलब R7 - R6 हो जाएगी हमारी 6 और 7 की डिस्टेंस, इनका हमको रेशियो बताना है। अब दोस्तों आपको रेडियस का फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रेडियस का फॉर्मूला होता था 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अपने पास यहाँ पे बच्चों क्या दिया, हाइड्रोजन एटम ही है, सो R4 की वैल्यू होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर अपॉन जेड, Z1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर अपॉन जेड, एंड 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू 6 स्क्वायर अपॉन जेड, और ये वैल्यू भी एंगस्ट्रॉम में, ये वैल्यू भी एंगस्ट्रॉम में, सो दोनों वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होंगी। ठीक है, रेडियस की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होती है तो एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम अपना कट जाएगा, सो सिंस इट्स अ रेशियो सो इट्स गोइंग टू बी डाइमेंशनलेस क्वांटिटी। और अगर आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में तेज हैं तो 0.529 दोनों ऊपर से भी कॉमन होगा, नीचे से भी कॉमन आएगा, सो 0.529 ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी वो भी कट जाएगा। सो फाइनली देखिए क्या बचेगा, 16 - 9 मतलब कितना, 7, और यहाँ कितना बचेगा, 49 - 36, 49 - 36 अपना कितना हो जाएगा, 13, तो ये दोस्तों अपना हो जाएगा 16 - 9 मतलब 7, और ये अपना हो जाएगा 49 - 36 मतलब 13, तो इट्स गोइंग टू बी 7/13, और ये दोस्तों अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सो एक सिंपल सा सवाल था, जस्ट बच्चों फॉर्मूले रिवाइज करना चाहते थे, ये दोस्तों यहाँ पर सीन था। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है तो आसान लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि छोटे से कंसेप्ट को हमें वो रिवाइज करा था। जो कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट छोटे छोटे सवालों से क्लियर होते हैं, ऐसे ही दोस्तों ये भी एक सवाल है। सो हमसे ही बच्चों क्या पूछ रहे हैं सवाल में, EYM रेशियो ऑफ कैथोड रे, EYM रेशियो ऑफ कैथोड रे इज एक्स यूनिट व्हेन इट इज फिल्ड विद हाइड्रोजन,
हाउएवर अगर हम हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम फिल कर दें तो कैथोड रे में ई बाई एम का रेशियो क्या होगा? दोस्तों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की जो सबसे बड़ी जो पॉइंट जो मैं हमेशा क्लास में बोलता रहा हूँ बच्चों, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये थी कि नेचर ऑफ कैथोड रे इज इनडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। मतलब कि डिस्चार्ज ट्यूब में आपने कौन सी गैस भरी हुई है इसके ऊपर कैथोड रे की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। प्रॉपर्टी मतलब कैथोड रे के पार्टिकल का मास, चार्ज, ई बाई एम रेशियो, ये सब चीजें बच्चों कैथोड रे ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। वही अगर मैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो सिंस एनोड रे कंसिस्ट ऑफ क्या कहते हैं कैटाइंस, दे कंसिस्ट ऑफ कैटाइंस, जो एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कैटाइंस बचे हैं उनका कलेक्शन होता है एनोड रे। और अलग अलग गैस में अलग अलग कैटाइन मिलेगा, सोडियम से कौन सा कैटाइन Na+, हाइड्रोजन से कौन सा कैटाइन H+, हीलियम से कौन सा कैटाइन He+। तो वहां पर एनोड रे की प्रॉपर्टीज हमारी मतलब चार्ज, मास, ये सब या ई बाय एम रेशियो, ये बेटा एनोड रे में इनक्लोज्ड गैस के ऊपर डिपेंड करती है। सो प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस इन एनोड रे ट्यूब, वाइल प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे इज इनडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब। सो चूंकि कैथोड रे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो चाहे आप हाइड्रोजन से निकालो चाहे हीलियम से निकालो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी प्रॉपर्टीज बदलेगी नहीं। सो जो ई वाई एम का रेशियो हाइड्रोजन में है वही ई वाई एम का रेशियो ड्यूटेरियम में भी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे इज इनडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस इनक्लोज इन कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पास क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ड्यूटेरियम होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग इसी सवाल को एनोड रे ट्यूब के लिए अगर बना दें, ठीक है, अगर हम बच्चों यही सवाल को एनोड रे के लिए कर दें तब क्या सीन होता। सो एनोड रे केस में सीन क्या होता, सो एनोड रे में हमारे पास हाइड्रोजन में क्या मिलता, एच प्लस। सो इन एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे में तो जो कैथोड रे की स्ट्रीम क्या है इज अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर एनोड रे में क्या होगा, एनोड रे क्या होगा स्ट्रीम ऑफ एच प्लस, और ड्यूटेरियम में क्या होगा डी प्लस। अब देखिए यहां पर ई बाय एम का रेशियो मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या होगा, दोनों बेटा चार्ज तो सेम है, वन प्रोटॉन वन प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचा, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन, तो दोनों बेटा चार्ज तो सेम होगा, लेकिन हाइड्रोजन के केस में जो मास होगा वो एक प्रोटॉन का मास होगा, और ड्यूटेरियम के केस में जो मास होगा वो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास होगा। सो ड्यूटेरियम का जो मास नंबर होता है हाइड्रोजन से डबल होता है। सो यहाँ पे दोस्तों जो रेशियो होगा, यहाँ पे दोस्तों जो रेशियो होगा, सो हाइड्रोजन के लिए जो क्यू बाय एम का रेशियो होगा, सो वी हैव वन प्रोटॉन का चार्ज और मास नंबर कितना 1 AMU, और ड्यूटेरियम के केस में जो ये होता 1 प्रोटॉन का चार्ज और मास नंबर कितना 2 AMU, क्योंकि एक प्रोटॉन का भी मास 1 AMU होता है और 1 न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU होता है, तो डी प्लस आयन का मास 2 AMU होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन के निकलने से मास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि एटम में मेन मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1800 गुना बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हमारी चीज है। सो अब अगर मैं रेशियो की बात करूं कि एनोड रे, अगर यही सवाल अगर एनोड रे का होता तो पहले अगर ये वैल्यू x है तो अब ये वैल्यू x बाय 2 हो जाती। सो अगर क्वेश्चन में एनोड रे का q बाय m पूछता, तो आंसर आ जाता बेटा x बाय 2, लेकिन चूंकि सवाल कैथोड रे का है तो आंसर हमारा x यूनिट होगा। ये बहुत अहम बात, एक बहुत प्यारा सवाल बच्चों, इस सवाल के द्वारा मैंने आपको डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, व्हाइल प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे इज डिपेंडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस, बिकॉज कैथोड रे ट्यूब में स्ट्रीम क्या है कैथोड रे पार्टिकल की, बेसिकली स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे, लेकिन एनोड रे में जो एनोड रे की जो स्ट्रीम है बेसिकली क्या है, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ आयनाइज्ड कैटाइन, और अलग अलग एटम में कैटाइन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे सवाल था, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर यही है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो के लास्ट सवाल पे, और लास्ट सवाल शीट का सवाल है, अपनी बुकलेट का सवाल है, बहुत बहुत प्यारा सवाल, आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम लोग आगे अपने लास्ट सवाल पे, और ये लास्ट सवाल मेरा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और इस सवाल में क्लास 12 पास आउट, क्लास 11 हर बच्चों को सीखने को मिलता है,
और क्लास 11 के बच्चे प्लीज इस सवाल को अपनी कॉपी में नोट करना, ये सवाल आपके लिए होना चाहिए, आपको एग्जाम से पहले ये सवाल रिवाइज करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या सीन है, फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस सब शेल इज गिवन एज अंडर। हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और बेटा हम उस हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं अलग अलग सबशेल से, हम बेटा अलग अलग सबशेल से हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। एक बार हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं कहां से, 3s सबशेल से, एक बार हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं कहां से, 3p सबशेल से, और एक बार हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं कहां से, 3d सबशेल से। सो कभी 3s से रिमूव करो, कभी 3p से रिमूव करो, कभी 3d से रिमूव करो। सो अलग अलग सबशेल से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, और बेटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मतलब आप बेसिकली इन सबशेल के इलेक्ट्रॉन को कहां ले जा रहे हो, n बराबर इन्फिनिटी पे, इन सबशेल के इलेक्ट्रॉन को आप कहां ले जा रहे हो बेटा, n बराबर इन्फिनिटी पे। सो इस केसेस में हमको जो एनर्जी लगेगी उसके बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कितनी कितनी एनर्जी लगेगी। सो फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस सबशेल इज गिवन एज अंडर, हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहली चीज तुमको समझनी है क्या, हाइड्रोजन एटम। इस सवाल में जो सबसे बड़ा पॉइंट है क्या, आपके जो डिस्कशन हो रहा है किस पे हो रहा है, हाइड्रोजन एटम पे हो रहा है, और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, शेल नंबर पे। हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, शेल नंबर पे। सो इस पर्टिकुलर सवाल में बच्चों एक चीज समझिए, जो हम इलेक्ट्रॉन को 3s से इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं तो जो एनर्जी लगी क्या होगी, ई इन्फिनिटी माइनस ई 3। बेटा इट डजंट मैटर कि इलेक्ट्रॉन 3s में है, 3p में है, 3d में है, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ n पे, शेल नंबर पे, सब शेल पे डिपेंड नहीं करती है। बोर्स मॉडल के सारे फॉर्मुलो में एनर्जी का फॉर्मुला क्या है, -13.6 z² / n² तो वो बेटा वैल्यू सिर्फ n पे डिपेंड करती है। सो डजंट मैटर चाहे इलेक्ट्रॉन 3s से इन्फिनिटी पे ले जाओ या 3p से इन्फिनिटी में ले जाओ या फिर 3d से इन्फिनिटी में ले जाओ, दोनों केस में जो एनर्जी लगेगी e इन्फिनिटी माइनस e3, और ये दोनों वैल्यू बच्चों जो हमको दी हुई है e1, e2, e3, और ये सारी वैल्यू बेटा हमारी आपस में सेम होंगी, ठीक है। सो चूंकि एनर्जी की वैल्यू सिर्फ शेल नंबर पे डिपेंड करती है, सब शेल पे नहीं डिपेंड करती, सो डजंट मैटर कि आप इलेक्ट्रॉन को 3s से इन्फिनिटी में ले जाओ या 3p से इन्फिनिटी में ले जाओ या 3d से ले जाओ, हर केस में एनर्जी सेम लगेगी। सो इस पर्टिकुलर सवाल का जो आंसर होगा वो होगा सी बेटा, इस पर्टिकुलर सवाल का जो आंसर होगा वो होगा सी। लेकिन गाइज अगर मान लीजिए, ठीक है, लेकिन गाइज अगर मान लीजिए सवाल में हमको हाइड्रोजन की जगह हीलियम दिया होता, और हीलियम जो क्या ऐसा चीज है, हीलियम में जो सबसे बड़ी चीज है क्या कि हीलियम इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हीलियम हमारा क्या बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सो अगर मान लीजिए हम यही सवाल हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कुछ ऐसे स्पीशीज में लगाए जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जहां पे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे बच्चों बोर्स मॉडल की कैलकुलेशन नहीं लगेंगी, वहां पे एनर्जी सिर्फ हमारी शेल नंबर पे डिपेंड नहीं होगी। सो बाकी सारे एटम जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां पे बच्चों अलग अलग सबशेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी अलग अलग लगेगी, वहां पर बच्चों अलग अलग सबशेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी अलग अलग लगेगी, क्योंकि वहां पर बच्चों कौन सा रूल लगेगा एनर्जी का, वहां पे एनर्जी का लगेगा रूल एन प्लस एल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स के दौरान थोड़ा आगे पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे हमसे स्कूल केमिस्ट्री में गाइडेंस ले रहे हैं क्लास 11 12 के बच्चे, उन सबको पता है एन प्लस एल रूल क्या होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल चैप्टर मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग के केस में एन प्लस एल रूल आपको अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ाया था। सो एन प्लस एल रूल हमें कहता है कि सबशेल की एनर्जी जो होती है वो एन प्लस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सबशेल्स की जो एनर्जी होती है वो n प्लस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सबशेल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल विल हैव हायर एनर्जी, और जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम है उसकी लोअर एनर्जी होगी। n प्लस एल में n क्या होता है, शेल नंबर होता है, और l क्या होता है, बेसिकली टोकन नंबर फॉर वेरियस सबशेल। l क्या होता है, अलग अलग सबशेल के लिए टोकन नंबर होता है, जैसे कि s सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, एक टोकन नंबर होता है जो हमें सबशेल बता देता है। सो बेटा 3s में n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, 3+0, 3p में n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, 3+1, और 3d में n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, 3+2। तो इनमें एनर्जी की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल पे कौन लाई करेगा, 3d, और सबसे कम एनर्जी लेवल पे कौन लाई करेगा, 3s। सो देखिए यहां पर सीन क्या होगा, यहां पर दोस्तों सीन क्या होगा, दोस्तों देखिए यहां पर सीन क्या होगा, अगर हम यही सवाल बेटा हीलियम के लिए बनाएंगे, सो हीलियम में बोर्स मॉडल के फॉर्मूले नहीं लगेंगे,
हीलियम में एनर्जी की वैल्यू एन पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि हीलियम में एन प्लस एल ऊ लगेगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एन प्लस एल ऊ लगेगा। और वहां पे बचो थर्ड शेल में, अगर हम बेटा थर्ड शेल में आएंगे तो 3s, 3p, 3d की एनर्जी सेम नहीं होगी। 3d का n प्लस एल ज्यादा है तो उसका एनर्जी अधिक होगा, 3p का n प्लस एल कम है तो उसका एनर्जी कम होगा, और 3s का एनर्जी सबसे कम है। सो एनर्जी वाइज इनकी लोकेशन इस तरह से होगी, एनर्जी वाइज थर्ड शेल में 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा और 3s की एनर्जी सबसे कम। अब ऐसे में अगर आपने इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में ले जाना है तो बताओ बेटा कहां से इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी लगेगी, कहां से इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में कम एनर्जी लगेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी लो एनर्जी से इन्फिनिटी में ले जाने में, और सबसे कम एनर्जी लगेगी हाई एनर्जी से इन्फिनिटी में ले जाने में, क्योंकि यहाँ पे पहले से एनर्जी हाई है तो इसको ऊपर ले जाना आसान है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कम है तो इसको ऊपर ले जाना मुश्किल है। तो इस केस में बेटा 3D वाली एनर्जी, इस केस में बेटा 3D वाली एनर्जी लीस्ट होगी और 3S वाली एनर्जी, 3S से इन्फिनिटी वाली एनर्जी मैक्स होगी। तो इस केस में बेटा आंसर क्या होगा, E1 विल बी ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। लेकिन जो सवाल हमको दिया हुआ था उस सवाल में हीलियम ही था, उस सवाल में हाइड्रोजन था, और उस पर्टिकुलर केस का आंसर सी था। लेकिन अगर सवाल में हीलियम, लिथियम, सोडियम कुछ भी आ जाएगा तो ऐसे केस में दोस्तों आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों मेरी कोशिश थी कि आपको सारे सवालों में सारे चेंजेस के द्वारा, सारे चेंजेस की मान लो इसकी जगह ये होता है, उसकी जगह ये होता है, उन चेंजेस के द्वारा बेटा आपको सारे कंसेप्ट समझाने की मेरी कोशिश थी। तो वो सारे बच्चे जो इस वीडियो को क्या कहते हैं अपने स्कोर केमिस्ट्री ऐप पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और अगर वो सारे बच्चे जिन्होंने स्कोर केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, सो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी 11th 12th की गाइडेंस चले, तो जाकर के स्कोर केमिस्ट्री ऐप को प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर